हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें क्रेमुल मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। तो उसका एक क्वेश्चन हमने कवर किया था, दो तीन क्वेश्चन आप करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप थ्री में जाएंगे। देखते हैं टाइप टू का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, एसपी कितना दिया है 44 रुपया, और लाभ प्रतिशत कितना दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है 10% लाभ। तो आपसे क्रेमुल पूछ रहा है, क्रेमुल बराबर भार। एक बार हम लिख देते हैं, बाकी सभी प्रश्न को डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ रहेगा और आप बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, क्रेमुल को हमने अगर जो x मान लिया तो x का 10% लाभ पर विक्रमुल कितना होगा, 110%, मतलब 110/100, 44 रुपये में बेच रहा है, यही विक्रमुल होता है। इसे काट छाट कीजिए, 11 × 44, मतलब x का मान कितना चला है, 10 × 40, यानी कि 40 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। इस प्रकार से हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, और बार बार हम लोग इसी तरीका का यूज करेंगे, एक्स मानकर हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न को आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है आपको विक्रयमूल 44 रुपया ये लिखेंगे, उसके बाद गुना लिखेंगे। देखिए 110/100 बराबर किस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, 100/110, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो विक्रयमूल दिया रहेगा जैसे 44 दिया है तो 10% लाभ पर, तो कितना होगा, 100/110, यानी कि 100 हम लोग ऊपर में लिखेंगे, बस इसे कैंसिल करना है, 11 × 44 तो कितना हो गया, 40 रुपया, मतलब इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर आया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि किसी खिलौने का कोई व्यक्ति 25 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो खिलौना का क्रयमूल बताइए। क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड देखिए, बोल रहा है क्या 25 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो क्रयमूल पूछ रहा है, यानी कि 25 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ मतलब कितना, 100/125, इसे हल करेंगे, 25 से ये भी 2500, यानी कि क्रेमुल कितना हो गया, 20 रुपया, और ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ये SSC TA 2011 पूछा गया था, 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत कीमत बताइए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3100 रुपये में बेचता है तो 24% का लाभ होता है, मतलब 100/124 लिखेंगे, इसे हल करेंगे, 31 से 100 बार में ये कटेगा, 31 × 24, ये 25 × 100, मतलब 25 × 100 तो कितना चला गया, 2500, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं, एक हीटर को 585 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो हीटर का क्रेमुल बताइए। हीटर का क्रेमुल निकालना है, 585 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है मतलब कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 10% हानि मतलब कितना, 90, 10% लाभ रहता तो 110 लिखते हैं। अब इसे काट छाट करेंगे, 1 0 से 0 कैंसिल, 9 से 6 काटते हैं तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, फिर 4 और 5 9 × 5 = 45, मतलब कितना हो गया, 650 रुपया, ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम लोग क्रेमुल निकाले टाइप टू में। अब चलते हैं टाइप थ्री में। टाइप थ्री का नियम क्या है, जो देखिए आपको इसमें भी विक्रयमूल ही निकालना है, टाइप टू में, टाइप वन में जो पढ़े थे क्या निकालना, विक्रयमूल निकालना, तो ये टाइप थ्री में क्या नियम रहेगा, विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से करेंगे और विक्रयमूल ही निकालना रहेगा, मतलब ये वाला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके ये SSC DO 2010 में पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 700 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए था। देखिए 700 रुपये में बेचते हैं तो 30% की हानि, 30% की हानि का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं 30% की हानि का मतलब 70% में बेच रहा हुआ, 70% में बेचता है विक्रय मूल्य, तो एक्चुअल वैल्यू कितना है, 700 रुपया, यानी कि 70% का वैल्यू है 700 रुपया,
तो आपसे पूछ रहा है 30% का लाभ के लिए कितना बेचना चाहिए, तो 30% का लाभ मतलब 130% का वैल्यू कितना होगा जो, मतलब ये सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, 700/70 × 130, तो ये जो तरीका हमने लिखा ये यूनिटरी मेथड से है, इसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, जो ये लिखे हैं नियम डायरेक्ट ये यूज करेंगे, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 रुपया। 1300 रुपया आपके ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज का टाइप थ्री का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक मेज को 10% की हानि पर 1800 रुपया में बेची जाती है, 15% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना में बेचना होगा। देखिए 1800 रुपया में बेचते हैं तो कितना का परसेंट की, 10% की हानि होती है, मतलब 90% पर बेच रहे हैं उसको, और जो पूछ रहा है गुना करते हैं, पूछ रहा है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर मतलब 115। इसे हल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 115 × 230 और 1 0, तो ये कितना हो जाएगा 2300, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। उसी प्रकार से देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, जो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है SSC DO पूछा गया है, 665 रुपया में बेचते हैं तो 5% की हानि होती है, तो 12% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। 665 रुपया में बेचते हैं तो 5% की हानि मतलब 95, और 12% का लाभ कमाना है मतलब 112, तो इसे कैंसिल कीजिए, 19 × 5 = 95, या डायरेक्ट ये कट जाएगा, ये काटिए 19, 19 × 5 = 95, इसे 19 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 19 × 5 = 95, 19 ये कितना होगा 59, 57 पहले, फिर 57 और 66 में से 57 घटा देंगे तो 9 होगा, फिर 9 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, ये फिर 65, या डायरेक्ट 95 से 7 बार में 665 कटेगा, तो 7 × 112 करेंगे तो बढ़ सकते 84, 167, यानी कि 784 रुपया। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जो भी क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए कितना में वस्तु को बेचना होगा। 450 रुपया में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, मतलब 80 में बेचते हैं, और 20% का लाभ कमाना है मतलब 120 में बेचना है। बस इसे हल कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 400 काटते हैं, 4 × 8, ये 30 × 20 से, और ये 15 × 30, या डायरेक्ट 15 × 20 से काट सकते थे, 15 × 45 कीजिए, 15 × 5 = 75, बाकी 7, 15 × 4 = 67, 67, यानी कि 675 रुपया। ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले इतना मिटा देते हैं, उसके बाद सेम प्रकार के सभी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छी है, इसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 15% लाभ पर किसी घड़ी को बेचा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कोई घड़ी 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपए में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो पहले घड़ी कितना में बेचा गया था, जो पूछ रहा है 600 रुपए में बेचते तो 20% का लाभ होता, 600 रुपया में बेचते तो 20% का लाभ होता, मतलब 120 और 15% पर बेचता तो कितना में हुआ, बेचता तो पूछ रहा, मतलब 115 से गुना होगा, ये 5 बार में कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 1 × 5 = 5, यानी कि 575 रुपया आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 5000 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता, तो 50% लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा, मतलब 5000 में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, मतलब 125, 50% का लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा। इसे 125 × 1000 होता है तो 5 × 8 = 40, और मतलब कितना 40 गुना करना होगा 150, तो 15 × 60 हो गया, और 1 0 = 2 0 मतलब कितना 6000 रुपया। 6000 रुपया ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 19.5 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितना रुपये की वृद्धि करना होगा, जो बोल रहा है। तो देखिए 19.5 रुपये में बेच रहा था तो 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ मतलब 130, फिर बोल रहा है 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा, तो देखिए 30% लाभ पर मतलब 130 में बेच रहा था पहले, फिर 40% का लाभ मतलब 140 में बेच रहा है, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है, तो यही कितना का अंतर है जो पूछ रहा है, मतलब 10 से गुना करेंगे, कैंसिल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
और ये इसे हल कीजिए तो 19 से काटते हैं या इसे 5 से काटते हैं सबसे पहले तो कितना होगा 26 बचे तीसरा सही से 5 से कैंसिल कीजिए 5 या 15 फिर 4 और 5 पन्नामा 45 फिर 33 और 40 13 दूनी 26 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5 रुपया का अंतर। ये आपके ऑप्शन नंबर 1.5 रुपया की वृद्धि भी बोल सकते हैं अंतर मतलब यहाँ वृद्धि पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर हो गया ये डी। ये यूबीसी 1992 में पूछा गया था। अब कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं एसएससी किरण 9500+ से देखते हैं इसे मिटाने के बाद एसएससी किरण 9500+ मतलब किरण बुक से जो इस प्रकार के टाइप में क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग करते हैं। देखिए ये किरण बुक है इससे हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइप से अंतर्गत वाले क्वेश्चन सभी जितना क्वेश्चन है हम कवर कर देते हैं। सबसे पहले टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है 72 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु की 10% की हानि होती है तो 5% लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। कुछ नहीं है ये अब सोल्यूशन कर रहे हैं जो एसएससी किरण 9500+ से एसएससी किरण बुक से जिसका नाम है 9500+ या 9100+ जो भी कहीं 9100+ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं 9100+ बुक का नाम है इससे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये एसएससी किरण का जो बुक है इसमें टाइप 1 हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 72 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है मतलब 90 में बेच रहे हैं तो पूछ रहा है क्या 5% लाभ के लिए कितना बेचना होगा मतलब 105 से गुणा करेंगे इसे हल कीजिए 15 × 90 15 × 75 से ये 12 × 72 मतलब 84 रुपये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ये ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 तो क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर आया होगा 56 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए किसी बाइक को 230 रुपये में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है 20% लाभ पर बेचेंगे तो बिक्री कीमत कितना होगा बाइक का। 230 रुपये में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है मतलब 115 20% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा मतलब गुणा 120 करेंगे 115 × 230 120 × 240 रुपया ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे थर्ड। ये एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है 9/9/2016 फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपके सबसे पहले क्वेश्चन है 72 से लगातार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 से लगातार 3-4 क्वेश्चन है 72 बोल रहा है 240 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। 240 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि मतलब 90 तो बोल रहा है 20% का लाभ के लिए मतलब गुना 120 इसे हल कीजिए 3 × 9 8 × 24 ये 3 से 40 बार में 8 × 32 यानी कि 320 रुपया हो गया आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 लगातार है 3-4 क्वेश्चन 480 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है 20% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा। 480 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि मतलब 80 और 20% के लाभ के लिए कितना में बेचना होगा जो तो 8 × 48 6 बार में कैसे मतलब 12 × 72 720 रुपया ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है 178 रुपये में बेचते हैं तो 11% की हानि होती है 11% लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। ये भी सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है कितना 178 रुपये में बेच रहे हैं तो 11% की हानि 11% की हानि मतलब 89 बेच रहे हैं और 11% लाभ मतलब 111 रुपये में बेचेंगे तो 89 × 178 111 × 222 रुपया ऑप्शन नंबर ये है थर्ड। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन उसके बाद हम लोग इस टाइप को खत्म कर देते हैं फिर नेक्स्ट टाइप में आएंगे। ये टाइप 1 में ही एसएससी किरण 9500+ में चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 72 73 74 हमने कवर किया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है जो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है 4500 रुपये में बेचते हैं किसी भूखंड को तो 10% की हानि होती है 15% लाभ के लिए कितना उसे बेचना होगा। 4500 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है 10% की हानि मतलब 90 में और बोल रहा है कितना बेचने के लिए 15% लाभ मतलब गुना 115 होगा 10 से 10 कैंसिल 9 × 5 = 45 500 तो 115 × 5 कितना होगा 575 1 × 2 0 ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 ऐसा क्वेश्चन है 79
तो क्या बोल रहा है, 725 720 रुपए में बेचते हैं अपनी कलाई घड़ी को, तो 25% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए कलाई घड़ी को कितना में बेचना होगा? देखिए 720 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब कितना में? 75 में बेच रहे हैं। 25% लाभ के लिए मतलब 125 में बेचना होगा। तो ये देखिए 25 या 75 25 25 3 से 24 72 मतलब 24 25 108 मतलब कितना हो गया? 1200 रुपया। 79 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1200 रुपया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 80। एक पंखे को 600 रुपए में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा? 600 रुपए में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, मतलब 90 बेच रहे हैं, तो पूछ रहा है 20% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा? 20% लाभ मतलब 120 में बेचना है। तो इसे देखिए कैंसिल करते हैं कैसे, 30 90 30 4 20 80, ये 3 2 6 मतलब 212 में, तो 2 4 800 रुपए में हमें उस पंखा को बेचना होगा। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, ये एमटीएस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 88 एमटीएस का था, ये सेकंड से पे पूछा गया था। तो हमने ये बुक मतलब एसएससी किरण, ये देखिए 9100+ से हमने इसका सॉल्यूशन किया, जो जो इस टाइप के थे। तो टाइप 3 में हमने जिस इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन कवर हुआ हमने सभी अपने वीडियो में पूरा किया, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अवश्य हो गया होगा, ताकि टाइप 3 आप अवश्य समझ चुके होंगे। मतलब विग्रहमूल दिया रहेगा, विग्रहमूल की तुलना विग्रहमूल से करेंगे और विग्रहमूल निकालना होता है, इस प्रकार के प्रश्न आप सीख चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप क्रेमूल और विग्रहमूल का करेंगे, जिसमें इस एसएससी किरण वाला जो बुक है उससे ही क्वेश्चन रहेगा, और अदर जो सेट प्रैक्टिस का बुक होता है उससे हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो ये टाइप समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे।